आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश कोरोना को लेकर अलर्ट, 85 कोरोना पीड़ितों में से 10 ठीक हुए, 2 की मौत। मध्य प्रदेश में बरकरार है राजनीतिक संकट, बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार में डरोना वायरस। स्पीकर से मिलने नहीं आए सिंधिया समर्थक विधायक, 3 विधायकों पर होगी बड़ी कार्रवाई। सिंधिया पर किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला, शिवराज बोले प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त। और सिंधिया समर्थक राम निवास रावत ने कहा 10 से ज्यादा विधायक कांग्रेस में वापस आएंगे। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 85 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इन 85 संक्रमित मामलों में 10 लोगों का इलाज भी किया जा चुका है, वे अब ठीक हैं। 73 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 2 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है। देश और दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में भी अब तक 2 लोग कोरोना वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं। हालांकि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 85 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इन 85 संक्रमित मामलों में 10 लोगों का इलाज भी किया जा चुका है। वहीं अभी 73 लोगों का इलाज चल रहा है। भारत में कोरोना वायरस के कारण पहली मौत कर्नाटक के 76 वर्षीय व्यक्ति की हुई थी। वहीं कोरोना वायरस के कारण दूसरी मौत दिल्ली में 69 वर्षीय महिला की हुई। कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद महिला को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के कई राज्यों ने इसे महामारी माना है और स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं। पूरा देश अलर्ट पर है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के खतरे को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसी के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने इस खतरनाक संक्रमण से निपटने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक और वैज्ञानिक उपायों का सहारा ले लिया है। ट्रंप ने कहा कि उनके इस एक्शन से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए $50 अरब का फंड मिल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की केंद्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय एजेंसियां कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इस फंड का इस्तेमाल करेंगी। पूर्व जनसंपर्क मंत्री, बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना वायरस के चलते विधानसभा सत्र की तारीख बढ़ाए जाने की अटकलों को लेकर कहा कि यह कोरोना नहीं, डरोना वायरस है। अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास बहुमत है तो वे फ्लोर टेस्ट कराएं और बहुमत साबित करें। नरोत्तम ने सिंधिया पर जानलेवा हमले को लेकर कहा कि कांग्रेस बाहुबल दिखा रही है, इनको नहीं पता कि सत्ता बाहुबल नहीं, बुद्धि बल से चलती है। दुनिया में महामारी की तरह फैल चुका कोरोना वायरस अब सियासत में भी घुस चुका है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र आगे बढ़ाया जा सकता है, वहीं कोरोना को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह कोरोना नहीं, डरोना वायरस है, जिसके कारण कांग्रेस सत्र बढ़ाने की बात कर रही है। कमलनाथ सरकार के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। अगर सरकार के पास बहुमत है तो वो इसको सिद्ध करें, फ्लोर टेस्ट कराया जाए। वो कोरोना नहीं है, डरोना है, डर लग रहा है इनको और डरोना के कारण से बढ़ाने की बात सोचते होंगे। बार बार कहते हैं कि उनके पास बहुमत है, उनकी सरकार 5 साल चलेगी, कह क्यों रहे हो, करो दिखाओ। अगर है भ्रम की स्थिति बनी है, अध्यक्ष जी को इस्तीफे आए हैं विधानसभा के, माननीय महामहिम को अगर इस्तीफे आए हैं तो उसकी स्थिति को स्पष्ट करो, या तो उन विधायकों को ले आओ या सत्र को आहूत कर लो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फ्लोर टेस्ट कर लो। नरोत्तम मिश्रा ने सिंधिया के काफिले पर हमले को लेकर कहा कि सत्ता बुद्धि बल से चलती है, ना कि बाहुबल से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मारपीट की वो निंदनीय है।
कांग्रेस बाहुबल दिखाने की कोशिश कर रही थी, जिसका परिणाम है मारपीट। अगर आगे इसी तरह की कोशिश की गई तो यह बहुत खराब स्थिति होगी। जिस तरह से सिंधिया जी का स्वागत हुआ, जो उनकी लोकप्रियता देखी, तो कांग्रेस घबरा भी गई और बौखला भी गई। और बौखलाहट में वो ये भूल गए कि सत्ता बुद्धिबल से चलती है, बाहुबल से नहीं चलती। ये अपने आप को बाहुबली बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्षुद्र और छद्म हथकंडे अपनाने की जो कोशिश है, पत्थरबाजी जैसी कोशिश करना, काले झंडे दिखाने की कोशिश करना, मैं मानता हूं ये निंदा के योग्य कृत्य है और ये अक्षम्य अपराध भी है। लोकतंत्र में इनका कोई स्थान नहीं होता और इसकी पुनरावृत्ति होगी तो बहुत कठिन दौर से और गुजरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर खतरा बना हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेलिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार अपनों से नाराजगी के चलते आईसीयू में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा चल रहा है, जिसको ग्रेट मध्य प्रदेश पॉलिटिकल ड्रामा कहा जा रहा है। ऐसे में एक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समालोचक श्री शिव अनुराग पटेलिया हमारे साथ हैं। पटेलिया जी, कुल मिला के अगर मोटी बात करें तो कमलनाथ सरकार डवाडोल हो रही है। कमलनाथ का दावा है कि उनकी सरकार चलेगी, उनके पास बहुमत है। लगता है कोई जिस जादुई आंकड़े की बात वो कर रहे हैं वो रह गया उनके पास? देखिए, जादुई आंकड़ा तो सिर्फ दो तरीके से पाया जा सकता है, एक आसमानी यानी ईश्वर की तरफ से और दूसरा सुल्तानी या नरेंद्र मोदी की तरफ से। इस देश का सुल्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर वो पीछे हट जाएँ या उनकी पार्टी पीछे हट जाए तो आपको बहुमत का आंकड़ा मिल जाएगा। ईश्वर कुछ ऐसी अब घटना कर दे कि कुछ संख्या बीजेपी की कम हो जाए तो जीत सकते हैं, अन्यथा मुझे लगता है अगर आसमानी सुल्तानी समर्थन नहीं है तो फिर आप मान के चलिएगा कि मध्य प्रदेश की सरकार बहुत दिक्कत में है, बहुत दिक्कत में है। आईसीयू से भी ज़्यादा अगर कोई अगर टेक्निकल टर्मोलॉजी हेल्थ में तो मैं कहूँगा क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार है। कहा यह भी जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने भी जो उनकी मन की थी, उनको राज्यसभा दोबारा जाना था वो भी हो गया, सिंधिया को राज्यसभा जाना था वो भी आ गया, घाटे में रहे कमलनाथ। देखिए, वास्तव में राजा महाराजा के लिए भिन्न भिन्न सिचुएशन है। महाराजा ने भाजपा की गोद में बैठ के राज्यसभा पहुंच गए और दिग्विजय सिंह कमलनाथ की गोद में दबाव बनाया, दोनों ने दबाव बनाया। अरसल ये इसी को राजनयन कहते हैं। कल हो सकता है समझ में आ गया दोनों ने कहीं मिलीजुली कुश्ती तो नहीं खेली है, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है। एक लाइट नोट के साथ मैं बात कह रहा हूं, लेकिन सही है कि आपका कहना कि राजा और महाराजा यानी माथुराव सिंधिया के सुपुत्र ज्योतिराज सिंधिया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, दोनों को इसमें लाभ मिला है, बाकी सबको ठेंगा मिला है। घाटा सीधा सीधा किसको है? देखिए, घाटा तो किसी को नहीं हुआ। कमलनाथ की एक अतृप्त महत्वाकांक्षा थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1980 में जब कांग्रेस की सरकार आने की संभावना थी या बहुमत में थी, तब उन रेस में वो खड़े हो गए थे। तब रेस में तीन लोग थे, शिवहन सिंह सोलंकी, कमलनाथ और अर्जुन सिंह। जब अर्जुन सिंह से ज़्यादा मत शिवहन सिंह सोलंकी को मिले तो संजय गांधी की दखलंदाजी से, यानी मेनका गांधी की मां की दखलंदाजी से, संजय गांधी के जरिए कमलनाथ के जो मत हैं वो अर्जुन सिंह के साथ जोड़ दिए गए और देश मध्य प्रदेश का पहला जो आदिवासी मुख्यमंत्री बनने वाला था वो नहीं बन पाया, वो चूक गया। तो उनकी महत्वाकांक्षा तब से 30 बरस बाद पूरी की उन्होंने। अब बीच बीच में कोशिश करते रहे, कई बार तो ऐसा लगा कि वो बाहर से समर्थन जुटा के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बड़ी उद्दीप्त इच्छा थी। और मुझे लगता है वो इच्छा पूरी हो गई है और इस उम्र में पूरी हो गई तो काय का घाटा, काय का नफा नुकसान। अगर शादी हो गई 80 साल में भी होगी तो बहुत ही बढ़िया, आप तो क्या करना। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर, लेकिन मुझे पटेल साहब मोटा मोटा समझ में आता है कि इस पूरे घटनाक्रम में देखें, दिग्विजय सिंह फायदे में, ज्योतिराज सिंधिया फायदे में, नुकसान तो कांग्रेस का हुआ है। देखिए, मुझे लगता है नुकसान कांग्रेस का भी हुआ है और नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का इसलिए कि आप ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ आप आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर एक स्टिग्मा लगेगा कि आपने मध्य प्रदेश में दल बदल कर आके सरकार बनाई है। आप नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो एक नैतिक तौर पर डेंट उनको है और सरकार के तौर पर बहुत मुश्किल। कहते ना कि 15 साल बाद बच्चा पैदा हुआ और आपने चूम चूम के मार डाला, तो यहाँ पे जो संतान हुई थी वो लंबे समय तक दीर्घजीवी नहीं रह पाई। लेकिन कमलनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बची रहे, क्योंकि कमलनाथ के सारे दलों में संपर्क है। आप देखते रहिए, राजनीति में कल क्या हो जाए मैं कह नहीं सकता हूँ, इसलिए बार बार बच रहा हूँ, लेकिन जरूर कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार आईसीयू में है। ये थे शिव अनुराग पटेल साहब, जो कह रहे थे कि
15 साल बाद बच्चा हुआ और उसको भी चूम चूम के मार डाला, ऐसी स्थितियाँ कुछ मध्य प्रदेश की हैं। और जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है वो पल पल बदल रहा है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल कमलनाथ संकट में। अनुराग उपाध्याय, दखल न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश में सत्ता की राजनीति के लिए सियासी और जुबानी हमले के बाद अब लड़ाई पत्थरबाजी तक पहुंच गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया की गाड़ी रोकी और पत्थर फेंके। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की निंदा की और कहा कि जिस तरह से सिंधिया पर जानलेवा हमला हुआ है उससे पता चलता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, अल्पमत की कमलनाथ सरकार ने बौखलाहट में हमला करवाया है। मध्य प्रदेश में आज सियासी भूचाल के बीच अब सियासत अपने निचले स्तर तक पहुंचती जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी रोककर उन पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। शुक्रवार को अपना राज्यसभा का नामांकन भरने के बाद जब सिंधिया एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी की गति धीमी होते ही उन पर हमले का प्रयास किया, उन पर पत्थर फेंके गए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने इसकी निंदा की है। शिवराज ने कहा, मैं स्तब्ध हूं कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। आम आदमी की बात छोड़िए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया है। मैं तो स्तब्ध हूँ, मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, जैसे अराजकता का राज है। आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के बीजेपी के उम्मीदवार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया, उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, पत्थर बरसाए गए, गाड़ी के पास आके लोग गाड़ी पर चढ़ने का और रोकने का प्रयास करने लगे, बामुश्किल अपनी जान बचाकर ड्राइवर ने उस गाड़ी को निकाला। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ ये हो सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है, तो सहज ही कल्पना की जा सकती है कि स्थिति कितनी भयावह है। ऐसी सरकार जो बहुमत खो चुकी है, क्या वो बौखलाहट में ऐसे हमले करवा रही है? मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं और ये मांग करता हूं पुलिस से भी, पुलिस प्रशासन से भी, कि घटना की जांच कर जो भी दोषी है हमले के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, उन पर पत्थर बरसाए गए, बमुश्किल ड्राइवर ने वहां से अपनी गाड़ी निकाली। शिवराज ने कहा कि अब आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि प्रदेश की स्थिति कैसी होगी, ऐसी सरकार जो बहुमत खो चुकी है वो बौखलाहट में हमले करवा रही है। शिवराज ने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। इस बीच तमाम बीजेपी नेता पुलिस स्टेशन पहुंचे और हमला करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर मामला दर्ज करने की मांग की। जब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो बीजेपी नेताओं ने पुलिस स्टेशन में धरना दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राम निवास रावत ने कहा है, मैं कांग्रेस में था, हूँ और आगे भी रहूंगा। रावत ने दावा किया कि 10 से ज्यादा सिंधिया समर्थक विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं, वे कांग्रेस में ही रहेंगे। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राम निवास रावत ने कहा, लंबे समय तक मैंने माधव राव सिंधिया के साथ राजनीति की है और मैं लंबे समय तक विधायक भी रहा और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राजनीति की, मगर आज सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, जिसका मुझे दुख है। उन्होंने कहा कि कमी सबकी खलती है मगर पूर्ति सभी की होती है। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी भाजपा में गए मगर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले उन्हें विभीषण कहा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि उन्होंने उनका सम्मान किया या अपमान किया। विधायकों को धोखे से ले जाकर उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाया गया और भाजपा के नेता ही विधायकों का इस्तीफा लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी 10 से अधिक विधायक इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। विभीषण की संख्या देकर के उनका अपमान पहला किया है, मैं समझता हूँ कि वो उससे मुझे हाथ हुआ और पीड़ा हुई और भारतीय जनता पार्टी की यही स्थिति है। वो फांसी वाली पार्टी किसी को स्थान नहीं दे। उनका असमय चला जाना मैं समझता हूँ मेरे लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण था ही, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में सिंधिया समर्थक विधायकों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति दूसरे दिन भी सिंधिया समर्थक विधायकों का इंतजार करते रहे लेकिन विधायक नहीं आए। अब स्पीकर 3 विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दे रहे हैं। सिंधिया समर्थक विधायकों ने कमलनाथ की कांग्रेस सरकार की नाक में दम कर रखा है। सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा अध्यक्ष एमपी प्रजापति ने इन सबको नोटिस देकर बुलाया था लेकिन विधायक नहीं आए। ऐसे में 2-3 विधायकों पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा, इनके मामले गंभीर, इन्हें रखूं या निकालूं इस पर निर्णय अलग तरीके से लूंगा। स्वयं देख रहे हैं कि आज रंग पंचमी है, उसके बाद भी मैंने समय निर्धारित किया अधिकारियों के साथ और हम सब ने बैठ के इंतजार किया कि जिन माननीय विधायकों को मैंने आज का समय निर्धारित किया था 7 दिनों का और उनके साथ जो कल नहीं आए थे उनका भी आज समय निर्धारित किया था। ऐसे 13 लोगों को, विधायकों को आना चाहिए, पर आप स्वयं देख रहे हैं जैसे कल देख रहे थे। मैं विधिवत नियम प्रक्रियाओं में बंध के अपना कार्य संचालित कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि भाई आइए, मैं आपकी बात सुनूं और कोई निर्णय पर पहुंचूं। ये बात जरूर है कि उसमें 2-3 कुछ गंभीर मुद्दे हैं विधायकों के, उन 2-3 विधायकों को रखूं या निकालूं मैं गंभीरता से चिंतन कर रहा हूं। समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सरकार बचाने की कवायद में जुटी कमलनाथ सरकार ने बर्खास्त 6 मंत्रियों के विभाग का बंटवारा मौजूदा मंत्रिमंडल में कर दिया है, जिसके बाद ज्यादा विभाग मिलने के साथ ही मंत्रियों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। हालांकि इनमें से अधिकांश मंत्रियों को कांग्रेस ने जयपुर में रखा है। कमलनाथ सरकार में जहां एक तरफ सियासी उठापटक चल रही है, वहीं इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त 6 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मौजूदा मंत्रियों को कर दिया है। मौजूदा विधायकों को उनके विभाग के साथ और नए विभाग दिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो को महिला विकास, मंत्री गोविंद सिंह को खाद्य विभाग, ब्रजेंद्र सिंह राठौर को परिवहन, सुखदेव पांसे को श्रम, जीतू पटवारी को राजस्व विभाग, कमलेश्वर पटेल को स्कूल और तरुण भनोट को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने से नाराज युवा कांग्रेस ने महल में सिंधिया का पुतला दहन किया और भाजपा पर कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद जहां एक तरफ भाजपा खुश नजर आ रही है, वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में
काफी रोष है। मेहर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिंधिया का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भाजपा पर कमलनाथ सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। युवा कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह मंत्री जीतू पटवारी के साथ बेंगलुरु में अभद्रता की गई है वह निंदनीय है। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुकमा में लाखों के इनामी नक्सली दंपति सहित 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन नक्सलियों पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लाखों के इनामी नक्सली दंपति सहित 3 नक्सलियों ने एसपी शलभ सिन्हा और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि नक्सली सक्रिय थे और इन पर कई केस दर्ज हैं। सरेंडर करने वाले नक्सली करटामी बादल प्लाटून 26 का डिप्टी कमांडर था, जिस पर 8 लाख रुपए और उसकी पत्नी कमली पर 5 लाख रुपए का इनाम था। एक और नक्सली मड़काम बीजू पर 2 लाख का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वाले नक्सली ने बताया कि वह बस्तर के आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला है। आंध्र प्रदेश के नक्सलियों ने संगठन बनाकर उसे नक्सली वारदात करने के लिए कहा, जिसके बाद वो उनके साथ शामिल हो गया। अब उसने समर्पण कर दिया है और वो मुख्य धारा में लौटना चाहता है। पार्टी से नक्सली से छोड़ने का कारण है कि जो मैं बस्तर का आदमी हूँ, बस्तर का आदिवासी है, जो यहाँ पे बस्तर में मैं जो पहले से पढ़ रहा था, बाहर वाले आंध्र से आए हैं उन लोग, जो यहाँ पे आके संगठन किए हैं उन लोग, जो आके यहाँ पे जो हमको भी जो संगठन बनाए, संगठन बनाने के बाद हम लोग उधर गए, उधर जाने के बाद जो हम लोग सोचे कि पहले अच्छा ही काम, अच्छा नक्सली काम है करके गए थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि आंध्र से आए हुए लोग जो यहाँ से वेद, जो यहाँ बस्तर से भर्ती हुए आदिवासी लोगों को भेदभाव करते हैं कि जो वसूली पैसा वैसा वसूली करने पर भी उन्हीं लोग जमा करके ले जाते, जमा करने का हम ही लोग जमा करते हैं, लेकिन जो ये पैसा जमा करने के बाद उन्हीं लोग ले जाते हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को योजना के तहत दी जाने वाली सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी, ताकि वो ठीक तरीके से मुख्य धारा में निर्वाहन कर सके। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उससे प्रभावित होकर के काफी सारे नक्सल पहले भी मुख्य धारा में लौटे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। इसी क्रम में करटामी वागा, जिसका नाम, जिसको बादल के नाम से जाना जाता है, ये प्लाटून नंबर 26 का डिप्टी कमांडर था और कटे कल्याण एरिया कमेटी में सक्रिय था। इसने पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के अपनी पत्नी मड़कम कमली, जो कि इंस्ट्रक्टर टीम में की कमांडर थी, मिलिशिया इन चीफ भी थी कटे मलांगीर एरिया कमेटी की, और साथ ही साथ इसके ऊपर भी 5 लाख रुपये का इनाम है, ये दोनों ने मिल करके सरेंडर किया है हमारे सामने। और इनके अलावा एक और प्लाटून नंबर 24 का मेंबर है, जिसका नाम मड़कम बीजू है, ये तोंगपाल क्षेत्र का रहने वाला है, इसके ऊपर 2 लाख रुपए का नाम है। तो इस तरीके से 3 बड़े कार्टर्स हमारे पास सरेंडर करने के लिए आए हैं, वह मुख्य धारा से जुड़ने के इच्छुक हैं। सीआरपीएफ के सभी अधिकारियों के समक्ष और हमारे समक्ष इन लोगों ने बिना हथियार के आज आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था किस कदर समाप्त हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिंगरौली में छोटी सी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद 7 लोगों ने मिलकर एक वृद्ध की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपराधियों को जेल भेज दिया है। सिंगरौली के जुड़वार गांव में चने के खेत में पालतू पशु जाने को लेकर 2 लोगों में विवाद हो गया, जिसके बाद 7 लोगों ने मिलकर एक वृद्ध की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि राम बरन यादव की गाय मृतक राम प्यारे बैगा के खेत में चली गई थी, जिस पर राम प्यारे द्वारा राम बरन यादव को मना करने पर दोनों के बीच विवाद होने लगा, जिसके बाद राम बरन यादव द्वारा आवाज देकर अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला लिया गया और लोगों ने मिलकर कुल्हाड़ी डंडा तलवार से वृद्ध की मार पिटाई कर दी और घायल कर दिया। परिवार के लोगों ने घायल राम प्यारे को जिला अस्पताल बैढ़न में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी अभी फरार है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जमानत की अर्जी नामंजूर होने पर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 10 मार्च को ग्राम जुड़वार में राम प्यारे बैगा की हत्या राम प्रसाद, राम बरन, सुरेश, अरविंद, ब्रजेश आदि लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर की थी।
जिसकी चोटों के कारण जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसपे पुलिस ने 302 एट्रोसिटी का अपराध दर्ज किया और 6 आरोपी गणों को आज गिरफ्तार करके हमने जेल भिजवाया है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में है, ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संत हिरदाराम नगर में हवन किया और भगवान से सभी के स्वस्थ रहने की कामना की। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। संत हिरदाराम नगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और भगवान से सभी के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की गई। यज्ञ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति डाली और पर्यावरण को शुद्ध रखने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं सहित आमजन मौजूद रहे। भारत में भी कोरोना वायरस का प्रवेश हुआ है और लगभग 60 से 70 ऐसे लोग मिले हैं जिनको कि ये वायरस हुआ है। आज हमने वाल्मीकि मंदिर पर यज्ञ हवन करके भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमारे भारत देश को इस कोरोना वायरस से बचाना, इस देश के अंदर कोरोना वायरस का प्रभाव ना आए और लोग खुशहाल रहें, लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, इसको लेकर के आज हमने यहाँ पे यज्ञ हवन किया है। विश्व में फैले कोरोना वायरस से भारत देश हमारे संत नगर को बचाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया। जैसे कि विदित है कि भगवान शिव हमारे दाता हैं एवं वही हमारे सब कष्टों को दूर करते हैं। आज हमने वाल्मीकि भगवान के मंदिर में परमपितु परमात्मा से यही प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को इस कोरोना वायरस से मुक्ति दे। जशपुर नगर में परीक्षा देकर घर लौट रही एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ करने वाला विधायक का साला होने की वजह से मामले को रफा दफा करने के लिए विधायक की पत्नी ने पंचायत बुलाई और 2 थप्पड़ की सजा सुनाकर मामला शांत कर दिया। मीडिया कर्मियों के साथ भी पंचायत में लोगों ने कवरेज के दौरान बदसलूकी की। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर में एक छात्रा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा परीक्षा देकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपित नीतेश भगत ने युवती को लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। आरोपित सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर छात्रा से छेड़छाड़ करने लगा। युवती जैसे तैसे वहां से भाग खड़ी हुई। घर पहुंचते ही छात्रा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इस मामले को लेकर गांव वालों ने पंचायत बुलाने का फैसला लिया। पंचायत में आरोपित युवक, पीड़िता, सैकड़ों ग्रामीणों के अलावा आरोपित की बहन यानी विधायक विनय भगत की पत्नी भी पहुंची। पंचायत में पीड़िता ने आप बीती सुनाई। मामला पुलिस तक न पहुंचे सो विधायक की पत्नी ने मोर्चा संभाल लिया। विधायक पत्नी ने आरोपित को 2 थप्पड़ मारे और माफी दिलवा कर मामला रफा दफा कर दिया। शहर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर हुई इस घटना की पुलिस प्रशासन को भनक भी नहीं लग पाई। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी बघेल ने गांव में एक टीम भेजी। उन्होंने कहा इस मामले में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। अब पुलिस की जिम्मेदारी क्या है ये तो सोचने का विषय है। इस दौरान कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई और उनके मोबाइल छीन लिए गए। इसके साथ ही वीडियो हटाने को लेकर दबाव भी बनाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।